वेलकम टू साइंस क्लास। प्यारे बच्चों, मैं गगनदीप कौर, साइंस मिस्ट्रेस, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोडरपुर, जिला पटियाला तो अज आप सब जी नाल जिस विषय उत्ते चर्चा करन जा रही हां, वो है दसवीं क्लास दी साइंस दा पाठ अनुवंशिकता अते जीव विकास, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। बच्चों, असी पिछले लेक्चर दे विच ही अनुवंशिकता हेरिडिटी दे उत्ते चर्चा कर चुके हां। आओ उसनु थोड़ा जा रिकैप्चुलेट कर लिए। असी पढ़िया अनुवंशिकता की है, व्हाट इज हेरिडिटी। बाय डेफिनेशन, परिभाषा अनुसार, मां बाप दे गुण एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक, एक जनरेशन तो दूजी जनरेशन तक संतान राही जानू अनुवंशिकता कहते हैं। असी पिछले लेक्चर च गल कीती सी कि किवें सानू देखदे आ कि ये लोग कह दिंदे ने कि भी तू अपनी मदर वर्गी लगदी है, अपने जां फादर वर्गा लगदा है, जां अपनी दादी वर्गी जां भूआ वर्गी। एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक गुण जिहड़े ने किद्दां जांदे ने उहदे बारे असी पिछले लैक्चर दे विच कर चुके हां। इह गुण लक्षण ट्रेट्स कोई भी हो सकदे ने, साडी नक्क दी शेप हो सकदी है, ब्लड ग्रुप हो सकदा है, साडे वालां दा टैक्सचर हो सकदा है, वालां दे की स्ट्रेट है, करली है, अख दा रंग नीला है, काला है, ब्राउन है, कोई भी लक्षण जिहड़ा है उह हो सकदा है। सो इन्हां लक्षणां ट्रेट्स दा एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक जान नूं असी अनुवंशिकता हेरिडिटी आखदे हां। ते बच्चों, इस दे नाल ही असी एक होर बहुत इंपोर्टेंट टर्म बारे पढ़िया सी, उह सी विभिन्नता, वेरिएशन। बच्चे, विभिन्नतावां जां वेरिएशन की सी, असी पहला भी गल कीती कि इको ही प्रजाति दे सारे मनुख ही प्रजाति हैं, पर साडे च सारियां च की ने फर्क ने। इको ही प्रजाति दे जीवां विच छोटे छोटे अंतर अते इको ही मां बाप दी संतान विच, असी भैन भरा भी इको मां बाप दे जाए भी की आ अलग अलग दिखदे आ। सो इको मां बाप दी संतान विच पाए जान वाले ना छोटे छोटे अंतरां नू, फर्कां नू विभिन्नता, वेरिएशन आखदे आ। बच्चो, असी विभिन्नतावां क्यों हुंदियां ने, विभिन्नतावां जीवां नू किवें सहाई ने, असी ओदे बारे भी पिछले लेक्चर च गल कर चुके हां कि विभिन्नतावां जिहड़ियां वेरिएशंस ने इह जीवां नूं उहनां दे बदलदे वातावरण विच ढालण दे लई सहाई आ, उहनां दे सर्वाइवल दे लई की ने विभिन्नतावां होणियां जरूरी हन। तां बच्चो, इह हेरिडिटी ते वेरिएशन बारे जिहड़ी असी साइंस दी ब्रांच दे विच पढ़दे हां, उस ब्रांच, उस जीव विज्ञान दी शाखा नूं की कहिंदे आ, सोचो, तुहानू पता है। बिल्कुल सही, उसनू आखते हैं असी जेनेटिक्स, अनुवंशिकी विज्ञान। सो अनुवंशिकी विज्ञान जां जेनेटिक्स विज्ञान दी ओह शाखा है जिस विच असी अनुवंशिकता, हेरिडिटी ते विभिन्नता, वेरिएशंस बारे अध्ययन करते हैं। तो बच्चे, इत्थे ही तुसी एक होर प्रश्न दा जवाब देना है कि हू इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, अनुवंशिकता दा पितामा किसनू कहा जांदा है। बिल्कुल सही, सर ग्रेगर जोहन मेंडल नूं। असी पिछले लेक्चर दे विच पढ़िया भी कि सर ग्रेगर जोहन मेंडल ने उत्ते, मेंडल ने एक पौधे दे उत्ते कई एक्सपेरिमेंट करके इनहेरिटेंस दे लॉज बनाए सीगे, नियम बनाए सीगे। उस पौधे दा नाम मटर दा पौधा, पी प्लांट, एंड उस पौधे दा साइंटिफिक नेम पाइसम सैटिवा। असि यह भी पढ़िया कि उन्हें वह पौधा जिहड़ा सीगा वह क्यों चुनिया। तो बच्चो, असि देखिया कि भी मेंडल ने लंबे ते मधरे पौद्यां दे विच क्रॉस पॉलीनेट करा के उहदी पहली जनरेशन दे सारे ही पौधे की आए सीगे, टॉल आए सीगे। ते जदों उन्हें उस जनरेशन दे जिहड़े पौधे टॉल आए सीगे, लंबे आए सीगे, उहनां नूं आपस दे विच सैल्फ पॉलीनेट कराया, स्वै परागण कराया, ਉਹਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਟੌਲ ਆਏ, 25% ਪੌਦੇ ਫਿਰ ਮਦਰੇ ਆਏ, 3:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਈ। ਤੋਂ ਇਹ ਮਦਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੌਲ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂਡਲ ਦਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ, ਲਾਅ ਆਫ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਲਾਅ ਆਫ ਪੇਅਰਡ ਫੈਕਟਰ ਆਇਆ। ਪੇਅਰਡ ਫੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਕ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ।
जो जोड़े दे विच ताही पहली जनरेशन दे विच मदरेपन दा वी गुण है सी ताही दूजी जनरेशन च मदरे आए पौधे पर पहली जनरेशन च सारे लंबे आए इहदा मतलब कि लंबे पौधियां दे विच वी मदरे पौधे दे नू कंट्रोल करन वाला कारक जिहड़ा सीगा प्रेजेंट सीगा पर ओ कारक की हो गया दब गया सप्रेस हो गया अप्रभावी हो गया रिसेसिव हो गया ते लंबेपन वाले लक्षण ने की कर लिया उस अप्रभावी वाले नू दबा दिता सो इहदा मतलब जिहड़ा लंबा है ट्रेट जिहड़ी टॉल है हाइट प्लांट दी ओ की है डोमिनेंट ट्रेट है ते जिहड़ी मदरापन वाली है ड्वार्फ वाली है ओ की है रिसेसिव है इत्थों ही कि एक पेयर फैक्टर दे विचों जे ओ हेटरोजाइगस ने मतलब अलग अलग ने ता उहनां दे विचों एक जिहड़ा है डोमिनेंट ते दूजा जिहड़ा है ओ रिसेसिव है एक प्रभावी कारक है एक अप्रभावी कारक है ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਾਰਕ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ ਫੈਕਟਰ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਜਾਂ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀਨ ਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀਨ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਡੀਐਨਏ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਮਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਲੰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਨ ਆਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨ ਨੇ ਇਹ ਕੋਡ ਆ ਕੀ ਨੇ ਕੋਡ ਹੈ ਜੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਰਿਸੈਸਿਵ ਬਾਰੇ ਲਾਅ ਆਫ ਪੇਅਰਡ ਫੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਨੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸੀਡ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੋਨੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦੋ ਟ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਈਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੋਸ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਸ ਤੇ ਪੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ੇਚਿਤ ਅੰਡੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ੇਚਿਤ ਅੰਡੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਦਾ ਹੋਏਗਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਘੋਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਟ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੁਵੰਸ਼ਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਤਰ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੇ ਸੋ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੀਏ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਤੇ ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਨਨ ਸੈੱਲ ਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 46 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਸੂਤਰ ਅੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੁੱਲ ਗੁਣਸੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮਿਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਿੰਗੀ ਗੁਣਸੂਤਰ ਆਟੋਸੋਮਸ ਲਿੰਗੀ ਗੁਣਸੂਤਰ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਸੂਤਰ ਨੇ 46 ਗੁਣਸੂਤਰ ਨੇ
46 गुण सूत्र 23 जोड़े ने गुण सूत्रां दे। ए 23 जोड़ियां दे विच्चों 22 जोड़े जड़े ने ओ अलिंगी गुण सूत्रां दे ने, ऑटोसोम्स दे ने। अलिंगी नाम ही दस रहा है, ओ इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स ने। इहदा मतलब इन्हां गुण सूत्रां दे उत्ते अजिहे जीन ने जड़े इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स किसी पर्टिकुलर ट्रेट दे एक्सप्रेशन नूं कंट्रोल करदे ने। जिवें कि ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए जड़ा है वह कुड़िया का भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए जड़ा है वह मुंडिया का भी हो सकता है। अखां दा रंग पूरा कुड़िया का भी हो सकता है, अखां दा रंग पूरा जड़ा है वह मुंडिया का भी हो सकता है। सो इस तरह के जीन्स जड़े क्रोमोसोम्स के उत्ते होंगे ने, जड़े कि इररिस्पेक्टिव ऑफ सैक्स अपना एक्सप्रैशन जड़ा है दिखाते हैं, उन्होंने असं बोलते हैं अलिंगी गुणसूत्र। ठीक है, सो ये अलिंगी गुणसूत्र ने, ये किन्ने जोड़े ने, 22 जोड़े ने गुणसूत्रां दे। ते लिंगी गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स ये किन्ने ने, एक जोड़ा है, टोटल 23 जोड़े ने ना, 22 जोड़े जड़े ने ओ अलिंगी ने, एक जोड़ा जड़ा है ओ लिंगी गुणसूत्रां दा है। उस एक जोड़े दे विच्चों फीमेल ते मेल दे विच ए वखरा वखरा हुंदा है। फीमेल मादा दे विच ए एक्स एक्स ते मेल नर दे विच ए एक्स वाई हुंदा है। इत्थे तक गल समझ लगी? सो असी पढ़िया कि भी कुल 23 जोड़े गुण सूत्रां दे ने, उन्हां सैलां दे विच, मनुखी सैलां दे विच 23 जोड़े गुण सूत्रां दे ने, जिन्हां चो 22 जोड़े गुण सूत्रां दे ऑटोसोम्स ने, एक जोड़ा जिहड़ा है ओ लिंगी गुण सूत्र दा सैक्स क्रोमोसोम्स दा है। ए जोड़ा फीमेल ते मेल दे विच वखरा वखरा हुंदा है। फीमेल दे विच एक्स एक्स हुंदा है, मेल दे विच एक्स वाई हुंदा है। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਨਨ ਸੈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੰਗ, ਅਸੀਂ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਨ ਸੈੱਲ ਯੁਗਮਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਯੁਗਮਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਨ ਸੈੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਰਮ ਸੈੱਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਸ ਸੈੱਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਜਨਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ, ਯੁਗਮਕ ਬਣਾਏ, ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ, ਸਪਰਮਸ। ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਐਗ, ਅੰਡਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੁਗਮਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਅੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਸੂਤਰ ਨੇ? 46 ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਜਨਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਅੰਡੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਯੁਗਮਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਧੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ 23 ਜੋੜੇ ਗੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ 46 ਗੁਣ ਸੂਤਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਜੋੜੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੂਤਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਯੁਗਮਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ 46 ਨੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯੁਗਮਕ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਜਾਂ ਅੰਡਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਗੇ? ਤਾਂ 46 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ 23 ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਹਰ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੁਗਮਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 23 ਗੁਣ ਸੂਤਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ 23 ਕਿਉਂ, ਅੱਧ ਕਿਉਂ, 46 ਦੇ 46 ਹੀ ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ, ਹਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਕਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣਸੂਤਰ ਵੱਧ ਜੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਜੋੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤੱਕ, ਜੇ 21ਵਾਂ ਗੁਣਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਪੀ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣ ਜੇ, ਮਤਲਬ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੋੜੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ, 2 ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਉਹ 3 ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋ ਅਨਵੰਸ਼ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਨਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਜੋੜੇ ਦਾ 23 ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੂਤਰ ਆਇਆ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੁਗਮਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 23 ਨੇ, ਹਰ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਿਗਾ? ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਹੈ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਫਾਦਰ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਟੋਸੋਮਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋਸੋਮ ਤਾਂ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਸੈਕਸ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਫਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਲਿੰਗੀ ਗੁਣ ਸੂਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ,
एक्स वाई केड़ा है एक्स वाई ते मदर दे विच केड़ा है एक्स एक्स ठीक है। सो हुन जदों ये फादर गैमीट बनाएगा गैमीट की नहीं युग्मक फादर नर जड़े ने केड़े युग्मक बनाउंदे ने शुक्राणु स्पर्म ता उन्ना शुक्राणुआं दे विच अपने क्या क्या जोड़ा है एक्स वाई दा इदे विच जोड़े चो सिर्फ एक गुण सूत्र ही जाएगा। सो जाता उस शुक्राणु दे विच एक्स जा सकता है जा की जाएगा वाई जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल असि दो शुक्राणुआं दी गल कर रहे हैं एक दे विच एक्स है एक दे विच की है वाई है ठीक है। ज्यादा शुक्राणु दे विच जोड़े दे विचों एक्स गया जा की गया वाई हाफ नंबर रह गया ना हैप्लॉइड हो गया। एवें ही मदर है मदर दे विच केड़े ने लिंगी गुण सूत्र एक्स एक्स। सो मदर जो भी एक बनाएगी ए जोड़े दे विचों एक गुण सूत्र जाएगा मतलब एक्स ही जाएगा क्योंकि देखो दोनों ही एक्स एक्स ही ने इस करके वो जेड़ा भी एक बनाएगी ओदे विच केड़ा गुण सूत्र जाएगा एक्स जाएगा केड़ा क्रोमोसोम जाएगा एक्स जाएगा। इतने तक गल क्लियर। सो ये हाफ हो गया जोड़े का एक एक रह गया। हुण जदों फर्टिलाइजेशन होनी है फ्यूजन होनी है जदों इन्हें युग्मकां ने युग्मज बनाना है नर युग्मक ते मादा युग्मक ने फ्यूज होना है भाव शुक्राणु ते अंडे दा सुमेल होना है स्पर्म ते एग ने फ्यूज होना है। उस समय की होएगा जेकर आवला शुक्राणु जिदे विच एक्स गुण सूत्र है केड़ा गुण सूत्र है एक्स गुण सूत्र है जेकर आवला शुक्राणु इस अंडे दे नाल अंडे दे विच केड़ा है एक्स ही है इस दे नाल फ्यूज हुंदा है तो असी देखते हाँ इधरों फादर वालों एक्स आया मदर वालों भी एक्स आया तो एक्स एक्स उस संतान दा लिंग की होएगा उस संतान दा लिंग सेक्स जड़ा है वो की होएगा फीमेल होएगा लड़की होएगा। तो जे ए एक्स इस दूजे एग नो जिदे च उदे च भी की है एक्स ही है उस नाल फ्यूज होया तां भी एक्स एक्स फीमेल ही होएगा। पर जेकर आवला शुक्राणु जिदे विच वाई गुण सूत्र है केड़ा गुण सूत्र है केड़ा क्रोमोसोम है वाई है ए इस एग नाल एग दे विच ता केड़ा गुण सूत्र है एक्स ही है जेकर ए वाई गुण सूत्र वाला शुक्राणु इस एक्स गुण सूत्र वाले अंडे दे नाल फ्यूज हुंदा है इधरों मदर वालों एक्स आया फादर वालों वाई आया एक्स वाई ता लिंग बच्चे दा की होएगा मेल लड़का होएगा। सेम यही वाई जे इस एग नाल भी उस एग च भी एक्स ही है एक्स ते वाई एक्स वाई मेल ता लड़का किन्नी किन्नी प्रोबेबिलिटी संभावना की बनती है 50-50% चांसेस की बनते ने 50% चांसेस है कि अगली संतान जिहड़ी है उन्हां दी उह लड़की होवे जां लड़का होवे। तां बच्चो इत्थे तुहानूं इक होर भी बहुत जरूरी जिहड़ी है गल समझ लगी है कि अपने समाज दे विच बहुत ही वार कुछ रूढ़ीवादी सोच दे लोग जिहड़े ने उह औरतां नूं की है जिम्मेवार ठहराउंदे ने कि जेकर किसे इक औरत दे तीन चार लड़कियां हो जांदियां तो उह रूढ़ीवादी सोच दे नाल सोचदे ने कि साडा तां वंश नहीं अगे वधना इह तां लड़की पैदा करदी है असीं तां अपने मुंडे नूं किते होर विआह दिंदे आ ताकि साडे पोता हो जाए। पर तुसीं देखिआ कि औरत दा किते भी कोई रोल है सेक्स डिटरमिन करन दा क्योंकि एग औरत की बना रही है एग बना रही है उस एग जिहड़े ने युग्मक जिहड़े एग ने उहनां दे विच गुण सूत्र किहड़ा है एक्स ही है इह तां शुक्राणुआं दे विच केड़ा गुण सूत्र है ओदे ते डिपेंड करेगा कि भी अगली जनरेशन दा सेक्स जिहड़ा है ओ की होवे। जेकर तां शुक्राणु एक्स गुण सूत्र वाला है तां मदर कोल तां एक्स ही है तां लड़की होएगी जेकर ओ शुक्राणु आके फ्यूज हुंदा है जिहदे विच वाई गुण सूत्र है तां लड़का होएगा। इसलिए आपां ने लोकां दी सोच जिहड़ी है इस नाल भी की है बदलनी है साइंटिफिक सोच दे नाल की है बदलनी है। बच्चो इत्थे एक होर भी गल तुहाडे नाल शेयर करना चाहांगी कि अपनी सोसाइटी विच तुसी अजिहे वैदां बारे भी सुनिया होएगा जिहड़े वेद कहिंदे ने कि भी वैद जिहड़े ने कहिंदे ने भी कंसेप्शन हो गई है प्रेगनेंसी हो गई है लो साडे तो दवाई ले लो असी शर्तिया मुंडे होण दी दवाई दिंदे आ। पर तुसी सोच सकते हो कि सेक्स जिहड़ा बाद चो बच्चे दा बदल सकदा है कि बच्चे दा लिंग जिहड़ा ओह बदलिया जा सकदा है बिल्कुल नहीं। इह तां फ्यूजन दे टाइम ही जदों युग्मक जिहड़े ने फ्यूज होए ने जदों युग्मक आके संयोजित होए ने उसे टाइम ही लिंग जिहड़ा ओह निर्धारित हो गया कि लड़का है कि लड़की है। इस करके जिहड़े भी
ऐसे जड़े ने नीम हकीम वैद जड़े ने कहते हैं साढ़े तो दवाई ले लो, किसी प्रेगनेंट लेडी नु कहते ने मेरे तो 2 महीने की 3 महीने की दवाई खा लो ताडे शर्तिया मुंडा होएगा, वो गलत कहते ने क्योंकि सैक्स का कंसैप्शन दे टाइम ही डिटरमिंड हो चुका होंगे। सो असी अपनी सोसाइटी नु इस तरह के नियम हकीमां तो भी बचाना है, उन्हें प्रति भी जागरूक करना साड़ी जिम्मेवारी बनती है। ठीक है बच्चों, इस दे नाल असी मनुखां विच लिंग निर्धारित किवें हुंदा है वह चंगी तरह समझे। बच्चे एग्जामीनेशन दे विच पक्के पेपरां दे विच सानू एदां ही पूरा क्वेश्चन आ जांदा है कि मनुखां विच लिंग निर्धारण की व्याख्या करो। ठीक है, सो किदां सैक्स जिहड़ा डिटरमिन होंदा है ह्यूमन दे विच उसनू एक्सप्लेन करना है तां असीं पहलां दसांगे कि मनुखी सैलां दे विच 23 जोड़े गुणसूत्रां दे ने, 22 जोड़े अलिंगी गुणसूत्रां दे, 1 जोड़ा लिंगी गुणसूत्रां दा है। इह 1 जोड़ा जिहड़ा लिंगी गुणसूत्रां दा है उह नर ते मादा दे विच अलग अलग है। नर दे विच मेल्स दे विच XY ते मादा दे विच XX है। ठीक है, फिर असीं क्रॉस दे नाल समझा देंगे कि भी की चांसेस की प्रोबेबिलिटी जड़ी है बनती है कि भी संतान जड़ी है वह लड़की होएगी के लड़का होएगी। उदे विच भी असी जानते हैं कि 50-50% जड़ी है प्रोबेबिलिटी जड़ी है बनती है कि भी लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है। इत्थे तक गल क्लियर? सो मनुखां विच लिंग निर्धारित किवें कीता जांदा है मैं आस करदी हां कि तुसीं इस क्रॉस नूं नाल दी नाल नोट भी कर लिया होवेगा। हाँ जी बच्चों, अगे एक होर बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दी बारे असी गल करांगे, वो है मनुखी एबीओ लहु ग्रुप दे विच इनहेरिटेंस। बच्चों वैसे तो साडे शरीर दे विच तुहानू जान के हैरानी होएगी कि बहुत तरह के ब्लड ग्रुप ने, पर जिन्हां नूं असी आम तौर ते जानदे हां ओह ने एबीओ ब्लड ग्रुप ते आरएच ब्लड ग्रुप। आरएच जिहनूं असी कहिंदे ने ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नैगेटिव है, एबीओ तुसीं जानदे हो ब्लड ग्रुप ए जां ब्लड ग्रुप बी, ए बी ओ। ठीक है, सो जेकर फिनोटिपिकली असीं पिछले लैक्चर दे विच पढ़िया सी फिनोटाइप की है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर की है, बाहरों किदां दा दिख रहा है, जो अपने क्या लड़का है के लड़की है। सो फिनोटाइप जिहड़ा है वो ए बी ए बी ओ है, ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, पर उहदा जीनोटाइप की होएगा? जीनोटाइप बच्चे इत्थे ए गल असीं याद रखनी है, तुसीं नोट कर लो कि जिहड़ा ब्लड ग्रुप ए है ਉਹ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਓ ਦੇ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਓ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਸੈਸਿਵ ਟ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਰਿਸੈਸਿਵ ਮਤਲਬ ਅਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ? ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀਨੋਟਾਈਪ? जीन ए या फिर जीन ए जीन ओ, ए बार इस करके पाई है ताकि इन्ना ब्लड ग्रुप से थोड़ा वक्रा लगे। क्लियर? सो जे ब्लड ग्रुप बी है तो जीनोटाइप की हो सकता है? जीन बी या फिर जीन बी ओ, जीन ओ, ओ की रिसेसिव है। इतने बच्चे एक और भी गल समझनी है, ए बी, ए ते बी दोवें ही डोमिनेंट है, इन्हां नूं असीं बोलदे हां कोडोमिनेंट। जे दोनों इकट्ठे होंगे कोई भी एक दूजे दे एक्सप्रेशन नूं दबा नहीं पाएगा तां ब्लड ग्रुप ए बी होएगा, तो उहदा जीनोटाइप होएगा जीन ए जीन बी। ते ओ की है? रिसेसिव है। ओ अपना ट्रेट कदों दिखांदा है? रिसेसिव ट्रेट कदों दिखांदे ने? जदों होमोजाइगस होण। होमोजाइगस मतलब जो दोवें जीन की होण सेम होण, जीन ओ जदों दोनों ही आउणगे तां की है ब्लड ग्रुप ओ होएगा। जिवें कि मदरेपन दे विच आपां ने पी प्लांट दे देखिया सीगा कि बोना जिहड़ा मदरा प्लांट सी डवाफ सी उदों ही हुंदा सी जदों दोवें स्मॉल टी आउंदे सी, कि होमोजाइगस एलील होणगे। क्लियर है? नहीं गल? सो इत्थे ही आपां एक एग्जांपल करदे हां कि एक फैमिली दे विच एक कपल दा एक बच्चा जिहड़ा सीगा छोटे हुंदे ही गुम गया। हुण कई सालां बाद एक जना आया, कहिंदा मैं तां तुहाडी ही संतान हां। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਖੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਓ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਏ ਬੀ ਹੈ ਮਦਰ ਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਏ ਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਏ ਬੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਬੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਏ ਬੀ ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੀ ਹਾਂ ਬੱਚਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਫੀਨੋਟਾਈਪ ਫਾਦਰ ਦਾ ਏ ਬੀ, ਮਦਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਓ,
जे फादर का जीनो ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका मतलब उसमें जीनोटाइप की होएगा जीन ए जीन बी, क्योंकि दोनों ही कोडोमिनेंट ने एक दूसरे का एक्सप्रेशन नु दबा नहीं पाते। तो जे ओ है, ओ असि पढ़िया सी, ओ की है रिसेसिव है, सो ओ कदों दिखेगा जदों की होंगे दोनों ही जीन जड़े ने इस स्टेट नु कंट्रोल करने वाले जीन ओ होने। सो जदों इन्होंने गैमेट्स बनाए, फादर ने जदों गैमेट बनाए, शुक्राणु बनाए, की बनाया, जां तां उस शुक्राणु दे विच जीन ए होएगा जां जीन बी होएगा। तो जो मदर ने बनाए एग, उन्हां दे विच की चांसेस ने, ओ जीन हुंदे ही ने कि दोवां दे विच जीन ओ जीन ओ ही पास होएगा, क्योंकि जोड़े चो एक ही जाना है। ठीक है, उहदे कोल दोवें सेम ने तां एक ही हो गया। हुण जेकर ए वाला गैमीट जिहदे विच ए जीन है ओ इस गैमीट इस युग्मक नाल मिले जिहदे विच ओ जीन है, इधरों फादर वालों ए जीन आया, मदर वालों ओ जीन आया, ए जीन ओ जीन, ओ की है रिसेसिव है, ए की है डोमिनेंट है, तां ब्लड ग्रुप की होना सीगा ए। एवें ही जे फादर इस दे नाल मेट कर दवा, ठीक है, जे आला युग्मक जड़ा है शुक्राणु जड़ा है वो इस अंडे नाल मिलता है जिदे विच ओ जीन है, तां वी की है ब्लड ग्रुप की होना है, ए ही होना है, क्योंकि ओ दा एक्सप्रेशन तां की हो गया रिसेसिव हो गया दब गया। ते जेकर आला शुक्राणु जिदे विच जीन बी है ए इस एग नाल जिदे विच जीन ओ है ओदे नाल फ्यूज होंदा है, तो बी जीन बी जीन ओ किदा एक्सप्रेशन दिखेगा, ओ की है रिसेसिव है, तां वी एक्सप्रेशन किदा दिखेगा बी दा दिखेगा, सो ब्लड ग्रुप की होएगा बी। सेम जे आ भी इस दे नाल मिलेगा तां वी ब्लड ग्रुप की होएगा बी। सो प्रोबेबिलिटी की है, ब्लड ग्रुप की हो सकते हैं, जां तां ब्लड ग्रुप ए हो सकता है जां ब्लड ग्रुप बी हो सकता है। सो प्रोबेबिलिटी संभावना की बनती है, ब्लड ग्रुप ए दी भी 50% है, ब्लड ग्रुप बी दी भी 50% है, पर की किसी भी संतान दे विच ए प्रोबेबिलिटी ए संभावना बनती है कि ओदा ब्लड ग्रुप जड़ा है वह ए बी होवे जां फिर ओदा ब्लड ग्रुप ओ होवे, नहीं बनती ना। उन्हां कपल दी जिहदा एक दा ब्लड ग्रुप ए बी है एक दा ओ है, उहदे बच्चियां दा ब्लड ग्रुप जां तां ए होएगा जां बी होएगा, कोई भी चांस नहीं है कि उन्हां दा ब्लड ग्रुप ए बी होवे जां फिर उन्हां दे बच्चियां दा ब्लड ग्रुप ओ होवे। सो उहदा झूठ फड़िया गया ना। सो बच्चो इसे तरह ही असी इनहेरिटेंस नूं समझ सकते हैं, होर भी कई उदाहरणां नाल असी इहनूं करांगे, अगे बहुत सारियां एग्जाम्पल जिहड़ियां ने इस दीआं तुसीं प्रैक्टिस कर सकते हो। सो बच्चो अज असी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़े, दो एक पढ़िया सेक्स डिटरमिनेशन बारे, एक पढ़िया इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स दे बारे, तो मैं आस करती हाँ कि तुहानू दोवें ही टॉपिक्स चंगी तरह समझ लग गए होंगे। तो बच्चो इन्हां नू तुसी चंगी तरह की है समझ लेना है, पढ़ लेना है।